दुनिया में रहूंगा बस वहीं, मगर जहां जरूरत थी वो रहा नहीं। साथ का तो छोड़ो ख्याल तक नहीं, जाने दो जो जा चुका है कौन कब कहां रुका। वक्त की ये बातें हैं इन्हें गुजर जाने दो। गाइज वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे टू ऑफ दिस ट्रिप एंड या वही ठंड ठीक ठाक है, बढ़िया है मौसम क्योंकि धूप निकल गई है। एंड कल हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, सो हम लोगों ने सोचा हम लोग इसी प्रॉपर्टी में दोबारा स्टे करेंगे। सो बेसिकली कल का प्लान था गुसैनी जाने का, बट वो नहीं हो पाया। सो या आज के लिए हम लोगों ने एड ऑन किया वाटरफॉल हम लोग जाएंगे। सो यस, इट इज़ फीलिंग वेरी नाइस। कल रात बहुत मज़ा आया, जैम वैम किया रात में, डिनर किया, सो इट वॉज़ अ ग्रेट डे। सो यस, अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन वी विल गो टू वाटरफॉल एंड शैम्पू की सैनिक है वो भी एक्सप्लोर करेंगे। सो या, सो यस गाइज, आई एम योर आशीष, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कर की व्लॉग्स। तो ये ब्रेकफास्ट हो गया हम लोगों का, आज भी सेम मैंने पराठे ही खाए, पराठे के साथ चाय पी है मैंने बस। और यस, वी आर ऑल रेडी टू गो। एंड आज जो हमारे साथ जो हमारे यहाँ लोकल गाइड हैं वो हैं भीम भैया। हेलो। यस, तो भैया यहाँ से पहले और भैया बताओ वाटरफॉल है कितनी दूर? सर अभी आधा घंटा जाना पड़ेगा। उसका नाम क्या वाटरफॉल का? सोजा वाटरफॉल। अच्छा, बढ़िया है, मजा आएगा। और यहाँ से कितनी देर का रास्ता, मतलब यहाँ से हमें सीधा बस रोड होके जाना। हाँ, बाय रोड जी। हाँ। फिर अंदर जंगल में घुसना पड़ेगा। वहाँ से कितना ट्रैक है, मतलब कितना चलना है? वहाँ से रुका आप 20 मिनट का। 20 मिनट का और चढ़ाई है, स्टीपनेस है? थोड़ा थोड़ा। तो आज हमारे साथ ये रहेंगे एंड मज़ा आएगा बोल रहे हैं भैया, अच्छा है। सो या, लेट्स गो एंड सी लाइक कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, मेरे लिए सब नया है एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सो या, लेट्स गो। एंड बाकी हमारे साथ वही अतीक है साथ में, और शशांक भाई है, और मैं भाई है। कल हमने जिम्मी को छोड़ दिया था रास्ते में, नहीं आ पाया बेचारा, बट आज हमारे साथ चलेगा। आ जाओ। सो बेसिकली हम लोग सोजा जो हॉस्टलर है वहाँ से हम लोग यहाँ मतलब 500 मीटर्स नीचे आए होंगे, 500-600 मीटर्स। एंड यहाँ से ना आपको एक साइड में ही रोड से एक रास्ता दिखेगा, ये अलग से छोटा सा जो ऊपर की तरफ जा रहा है। सो बेसिकली वी हैव टू टेक दिस रूट, यहाँ से ये एक पतला सा रास्ता है। इसको अगर आपके लिए बेसिकली आप सब लोगों के लिए गाइड्स है ये कि हाँ ठीक है, इफ समबडी इज़ कमिंग विदाउट एनी लोकल गाइड, तो या दिस इज़ द वे यू कैन फॉलो। सो यहाँ से ट्रेल स्टार्ट होती है बर्फ़ पर, तो आज भी हम लोग थोड़ा बहुत बर्फ़ में रहेंगे यहाँ पे बस। हाथ में ये क्यों लेके चल रहा हूँ? ऐसे ही या फिर कुछ नहीं, ऐसे कोई जरूरत पड़ जाए बीच में। अच्छा, कभी जरूरत पड़ जाए कुछ रहता है ऐसा खतरा? कई बार हो जाता है, कई बार नहीं।
अच्छा मतलब क्या रहता है मतलब? ऐसे कोई जानवर छोटा बड़ा। अच्छा आ जाए तो हाथ में चाहिए, जरूर जरूर चाहिए सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए सो आ रहे हो तो एक लोकल गाइड लेके ही आना यार, बस भैया बता रहे हैं कि यहाँ छोटे मोटे जानवर तो आते रहते हैं क्योंकि पूरा जंगल वाला रास्ता है। ये देख लो आप, तो बेटर यही रहेगा कि इनको पता लग जाता ना आगे। अच्छा इसीलिए भौंक रहा है इतनी देर से। ओके यही है वाटरफॉल, पहुंच गए हम वाटरफॉल। ओ भाई और यहाँ के नजारे कुछ ऐसे हैं। आ जाओ आ जाओ। वाटरफॉल से भी जाने का टाइम आ गया। बहुत एडवेंचरस हाइक थी, काफ़ी मज़ा आया, एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट यस इट वाज रियली एडवेंचरस। यहाँ से अब हम लोग का प्लान है वापस जाना, सामान समेटना एंड हम लोग इसके बाद जा रहे हैं गुसैनी। सो गाइज फाइनली निकल गए यहाँ से एंड एवरीथिंग इज रेडी। हमारे साथ शशांक भाई और मयंक भाई कार में आ रहे हैं, मैं और हमारे बाकी का सामान भी सारा का सारा कार में है। जय शिव शंभू, हर हर महादेव, लेट्स गो। आगे आगे ठीक है, हर हर महादेव, लेट्स गो। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक है इसका पैच है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान से निकालना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं जाएगी भाई, पकड़ के ले आनी पड़ेगी, इट इज डिफिकल्ट। आई नो निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी। आगे वाला ब्रेक नहीं मारना है, आगे वाला ब्रेक नहीं मारना है। हाँ
वहाँ पे कैसे निकलेगी? ओह कहाँ से निकालें? इट इज़ डिफ़िकल्ट। 24 मिनट। ओह यहाँ अगर फिसल गया फिर तो गए। इसको इस साइड से नहीं, इस साइड से आ सकते हैं हम लोग यहाँ से। यहाँ पे फिर से फिसलना है, आराम से चलना पड़ेगा। चलो चलो ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। निकल गए। लो जी हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है दिख गया सॉरी। सो ये है प्रताप ढाबा, ऐसा कुछ सेटअप है यहाँ पे। अंकल जी रहेंगे, आंटी जी रहेंगी और बहुत बढ़िया है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। हमारी खाली थालियाँ देख के लग रहा होगा कि यहाँ का खाना कितना बढ़िया है। क्या खाना है और ऊपर से जो सर्व करते हैं ना इतने प्यार से, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ जरूर स्वाद स्वाद भाई, भूख अपनी खा के पागल हो गया। भूख अपनी जगह होती है लेकिन खाना लाइक टेस्ट ना मेरे ख्याल से पूरे ट्रिप पे अब खाया हमने अच्छे से खाना। तो गाइस आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करनी थी प्रताप ढाबे के बारे में। अभी हम लास्ट 2 दिन से हम लोग इतना महंगा खाना खा रहे थे ना, बहुत ज़्यादा महंगा। एंड यहाँ पे जो चीज़ अब एक्सपीरियंस हुई ना, लाइक हम 90-90 रुपए के पराठे खा रहे थे एंड यहाँ पे जो थाली मिली है ना वो 80 रुपीज़ होंगी। एंड उसमें भी आप रिफिल कर सकते हो जो भी आपको खाना है। एंड टेस्ट वॉज सुपर्ब, दिल से बोल रहा हूँ। लाइक लिटरली एक भूख एक अलग चीज़ होती है एंड उसके बाद भी स्वाद ना बहुत अच्छा लगा। मतलब आपको घर जैसा वेज खाना खाना है ना तो प्रताप ढाबा इज़ बेस्ट। इतना इकोनॉमिकल है कि हम लोग वहाँ से नीचे आ सकते थे, खा सकते थे, फिर ऊपर जा सकते थे। इट इज़ सो इकोनॉमिकल, सो आई जस्ट लव्ड इट। सो बिग थम्स अप टू दिस प्रताप ढाबा एंड आई विल रिकमेंड ईच एंड एवरी वन कि यहाँ पे आओ एंड टेस्ट करो। डेफिनेटली आपको निराशा तो नहीं होगी, इतना मैं कहना चाहूँगा। घर का जैसा खाना मिलेगा, एवरी थिंग इज़ गुड। दे आर सो हम्बल, इतने प्यार से उन लोगों ने खिलाया, सर्व किया है खाना एंड गर्म गर्म खाना। सो बिग थम्स अप। दिस इज़ प्रताप ढाबा। अंकल जी बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत मज़ा आया एंड बहुत अच्छा लगा। जी अंकल आपका नाम क्या हुआ वैसे? प्रताप। अच्छा आप ही के नाम से। हाँ जी थैंक यू। हमारी बाइक में जो है फ्यूल अभी हो गया है कम, तो अभी हम लोग उल्टा, हमें उल्टा तो नहीं बोलूँगा बट हाँ हमें जाना है यहाँ से जो हमने चेक किया 4.5 किलोमीटर है। तो जी फाइनली पेट्रोल पंप मिल गया 4.5 किलोमीटर दूर चलने के बाद। हुसैनी के लिए जो रास्ता जाता है यहाँ से ऊपर को जाता है। अरे भैया जी कहाँ हुआ? तो गाइस ये है ब्यूटीफुल सी तीर्थन वैली, बगल से नदी जा रही है एंड मतलब पहाड़ों के, 2 पहाड़ों के बीच से होते हुए। HP 49 जहाँ पे मेरा भाई बोल रहा था रुकने के लिए। सो ये भी काफ़ी फेमस कैफ़े है।
सो बेसिकली जो मेरे को अभी तक समझ में आया वो यही है कि ये वैली है गुसैनी तीर्थन वैली, बेसिकली जगह का नाम गुसैनी है, वैली तीर्थन है, एंड ये दो माउंटेंस के बीच से होती हुई रिवर जाती है एंड इट लुक्स सीरियसली ब्यूटीफुल। हॉस्टलर की प्रॉपर्टी जहाँ पे हमें आना है, जहाँ पे हमें रहना है आज, सो हमारी इग्निस भी खड़ी है यहीं पर ही। सो लेट्स पार्क आवर व्हीकल हियर ओनली। हाँ तो यहाँ वाला सिस्टम ज़्यादा बढ़िया है,